हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त राजेश, आपके चैनल राजस्थान फिटनेस से। सो फ्रेंड्स, मुझे बल्किंग बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बल्किंग दौरान मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। लेकिन बल्किंग का एक डिसएडवांटेज है, जब आप बल्किंग करते हो तो थोड़ा बहुत आपका मीन्स फैट बढ़ ही जाता है, लेकिन वो फैट आप ड्यूरिंग कटिंग उसको कट डाउन कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बल्किंग इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बल्किंग के दौरान आप बहुत ज़्यादा मसल्स पुट ऑन कर सकते हो। विदाउट बल्किंग आप मसल्स पुट ऑन नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आप दोनों डायरेक्शन में एक साथ नहीं जा सकते। बल्क करना पड़ेगा आपको मसल पुट ऑन करने के लिए। उसमें हो सकता है थोड़ा फैट आप पुट ऑन जरूर करोगे, लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो कुछ मसल्स गेन कर लिया है। जो मसल्स गेन कर लिए विदाउट बल्किंग वो है बिगिनर्स। बिगिनर्स गेन कर सकते हैं क्योंकि उनका बॉडी उस टाइम हैबिटेटेड नहीं रहता है। उसके जैसे ही वो उनका थोड़ा बहुत मसल्स गेन हो जाएगा, फिर उनका बॉडी मसल्स बनाना स्टॉप कर देगा क्योंकि उनका बॉडी के पास उतना कैलोरी नहीं है कि वो बल्क कर सके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको बल्किंग दौरान ट्रेंड किस तरह करना है। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप इसे सब्सक्राइब करते मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड सब्सक्रिप्शन पूरा फ्री है, इसके लिए एक पैसा नहीं लगता है। एंड आपको फ्री में नॉलेज मिल जाएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करना है। नोटिफिकेशन बेल हिट करने से आपके मेरे फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना यार, आप यदि लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि मसल्स पुट ऑन करना चाहते हैं तो बल्किंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि बल्क नहीं करते हो देन आप मसल्स पुट ऑन नहीं कर सकते हो। सो आपको इसके लिए कैलोरी सरप्लस रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब आप बल्क कर रहे हो एंड ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, देन क्या होगा, आप बॉडी में ज़्यादा फैट एंड वाटर रिटेंशन बढ़ाओगे, जिससे कि आपको वेट तो बढ़ेगा लेकिन उसमें मसल्स नहीं बढ़ेगा। सो आपको उसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप ट्रेनिंग करते हो देन आपको मसल्स पे एनर्जी चाहिए होता है। सो जो आप खाना खा रहे हो वो मसल्स को मिलेगा, वो एनर्जी मसल्स को मिलेगा, जिससे कि उसको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपका जो बॉडी है वो एनाबॉलिक एनवायरनमेंट रहेगा जिसमें उसको मसल्स पुट ऑन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प होता है। फ्रेंड्स, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको 45 से 1 आवर से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न करोगे। सो आपको ये सोचना है कि ये 45 मिनट्स में मुझे क्या ट्रेन करना है। सो उसमें क्या आपको कंपाउंड मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे डेडलिफ्ट हुआ, स्क्वाट हुआ, बेंच प्रेस हुआ, शोल्डर प्रेस, पुशअप्स, पुलअप्स। सो ये सब कंपाउंड मूवमेंट है। कंपाउंड मूवमेंट मतलब क्या, आपका मोर देन वन जॉइंट इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या आपका मैक्सिमम मसल ग्रुप ट्रेन हो सके एक साथ। जितना मसल ग्रुप आप इसे ट्रेन करोगे आपको बॉडी उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी, जिसमें क्या होगा आपका ज़्यादा अच्छा मसल्स ग्रोथ होगा। बल के दौरान आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपना स्ट्रेंथ पे, क्योंकि मसल फॉलो स्ट्रेंथ। आपका जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका मसल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। साथ में यदि डाइट प्रॉपर है आपका मसल्स बढ़ना ही है, आपका स्लोली एंड स्टेडली आपका मसल्स बढ़ जाएगा। आपको इतना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाना, मतलब 6 से 8 रिप्स निकलना चाहिए। ऐसे हैवी नहीं लगाना कि पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ है और वही पूरा वेट उठा दे रहा है। जिम से बहुत लोग ऐसे करते हैं कि बंदा तो वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, उससे एक रिप भी नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा बंदा जो पीछे में खड़ा होता है वही पूरा उठा देता है। सो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर दोस्तों मीन्स मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सभी को तो वेट ट्रेनिंग करना, जिम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं बिताना है। 1 घंटा से टाइम आपको ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं देना है, क्योंकि जितना टाइम आप जिम में दोगे उसके बाद आपका बॉडी स्लोली एंड स्टेडली कैटाबॉलिक स्टेट में चले जाता है, जिसमें कि आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको कार्डियो ज़्यादा नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप कार्डियो करते हो उससे क्या होगा, आपका ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे एंड उससे क्या होगा, आपका बल्किंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको ज़्यादा कार्डियो उस टाइम नहीं करना है। बल्किंग एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको बॉडी सिमेट्री पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये क्या होता है कि सोचिए, हर किसी का कोई ना कोई बॉडी पार्ट वीक होता है। जैसे सोचिए मेरा बाइसेप्स का पीक वीक पार्ट है, सो मुझे क्या करना है, वीक में 2 दिन बाइसेप्स को ट्रेन करना है। इससे क्या होगा, मेरा स्लोली स्टेडली मेरा बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। सो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है जो आपका वीक पार्ट है। एंड फ्रेंड्स, आपको डेली ट्रेन नहीं करना है। सोचिए आज आपने ट्रेन किया है तो कल रेस्ट दीजिए, वीक में 4 डेज आप ट्रेन कीजिए। 1 दिन ट्रेन करना, 1 दिन गैप देना, 1 दिन ट्रेन करना, 1 दिन गैप करना है। और जब ट्रेन कर रहे हो तो पर गदर मचा देना है जिम पे। क्या करना है, पर हेवी वेट लिफ्ट करना है। हेवी मतलब उतना हेवी नहीं कि आप पीछे से बंदा उठा दे रहे हैं, नहीं, 6 से 8 रेप्स आप खुद से लगा पा रहे हो, उतना हेवी वेट आपको लगाना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबके वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में आपको नॉलेज मिल जाएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल, प्लीज़ बाय, टेक केयर।